आराम नाल करो चिन्ना जी, मेरा पकड़ना भाई, आराम नाल करो, आराम नाल यार। आज किस बात की मीटिंग है एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे? देखिए, वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ों की अहमियत बढ़ जाती है। अहमियत कैंपेन कमेटी की इलेक्शन नज़दीक आने से और भी बढ़ जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, ख़ास तौर पे इसमें जाखड़ साहब की शमूलियत हुई है। संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। मेरे फादर साहब की जब बुक रिलीज़ हुई थी तो बलराम जाखड़ साहब ने की थी, तो उनकी एक पुरानी विरासत है, एक लेगेसी है। सयाने आदमी गहरे हैं, इसलिए उनकी जो शमूलियत कैंपेन कमेटी द्वारा कांग्रेस के फोरफ्रंट में हुई है, मैं इसका स्वागत करता हूं। ख़ास तौर पे राहुल जी और प्रियंका जी और कांग्रेस प्रेसिडेंट जब बाजवा साहब, प्रताप बाजवा जी और जाखड़ साहब को लेके आए हैं, तो कांग्रेस इससे मजबूत हुई है। जिस तरह से दो तीन नदियों का संगम होता है तो बहाव मुझे लगता है तीन गुना तगड़ा हो जाता है। सिंह साहब, अगर बात करें, कल देखा है कि टीचर्स पे दोबारा से लाठीचार्ज होता है संगरूर में, सीएम साहब आज... वहाँ पे उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनकी आवाज़ मजल की जाती है। आप तो हमेशा बोलते रहते हैं, आप तो हमेशा लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे गैगिंग करनी जो अनएम्प्लॉयड टीचर्स है, इज इट जेन्युइन फॉर सीएम के लिए, जो सीएम कहता है कि मैं आम आदमी? इस चीज़ की अहमियत आज नहीं है, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ दोस्त। आज की अहमियत जाखड़ साहब की ये जो मीटिंग है, मुझे न्योता आया था और मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि इस मीटिंग में हम कांग्रेस को और तगड़ा करें, संगठित तौर पे आगे बढ़ाएं और मिलजुल के योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस की ये लड़ाई लड़ें। सर, एक आपकी भी मीटिंग है वो सर, जी एक चार, हाँ वो डीसीसी प्रेसिडेंट्स हमने जो मतलब जैसे जैसे संगठन बनता जाएगा पर सर कांग्रेस की ताकत बढ़ती जाए। अनएम्प्लॉयड टीचर्स की आवाज़ उठानी चाहिए, आप हमेशा, मैंने हमेशा उठाई है दोस्त, मैंने हमेशा कहा है कि लोकतंत्र में आवाज़ उठाना, पर जैसे बंद की गई कल सीएम साहब के, यार तुम फिर इस चीज से देखो, मैं कहना धरना देना हरेक का लोकतांत्रिक अधिकार है यार, ते मैं ते आप धरनियां दे विच खड़ा हो जाना, ते मैं ते चाहना कि देखो ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों को असीं खुश रखिए। सरकार माँ बाप का दर्जा होंदा, सरकार दा वकार होंदा, वो वकार ता ही पूरा होंदा कि जे असीं किसी के दुख च शरीक हो सकीए, जिन्ना पूरा कर सकीए, जिन्ना उन्हां दा बोझ चुक सकीए, उन्हां दे दुख नूं अपने मोढ़ियां ते हंडा सकीए, ओनी सरकार दी जिम्मेदारी ज़्यादा।